मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज देश दुनिया में पढ़ाई गई, जिसके चलते रीवा शहर की सभी मस्जिदों में इस नमाज की खास तौर से इंतजाम किया गया। रीवा की छोटी दरगाह मस्जिद में यह नमाज शहर काजी मुक्ति मुबारक हुसैन ने पढ़ाई। इस मौके पर अपने शहर मुल्क की हिफाजत की खास तौर से दुआ भी मांगी। मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र माह रमजान खत्म होने को आया। मुस्लिम समाज का इस महीने का बहुत ही महत्व है। मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं इसी माह में उनकी पवित्र कुरान की पहली आयत के साथ आखिरी आयत भी उतरी थी। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हाफिज ने शहर मुल्क की हिफाजत की खास तौर से दुआ मांगी। रीवा में भी तमाम मस्जिदों में यह नज़ारा देखने में नज़र आया। रीवा की छोटी दरगाह मस्जिद में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने। यहाँ पर रीवा के शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन ने अलविदा जुमा की नमाज पढ़ाई। मोहल्ले शहर मुल्क की हिफाजत की खास तौर से दुआ की। अलविदा जुमा की नमाज के साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के त्यौहार की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। 2 या 3 दिन के अंदर ही ईद का त्यौहार भी आ जाएगा। इस बार मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह है। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान ईद का त्यौहार या यूं कहें पूरे देश में कोई भी त्यौहार नहीं मना पा रहा था। अब कोरोना वायरस संक्रमण काल लगभग खत्म हो गया है। सरकार ने तमाम तरीके की पाबंदियाँ हटा दी हैं। लोगों में जोश उत्साह है। अब लोग इसी त्यौहार को बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा सकता है 2 साल का लंबा इंतज़ार इस साल खत्म होने को आया। कोरोना वायरस संक्रमण का अब कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। इसी के चलते तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह है। मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने हिसाब से ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। आम तौर से माना जाता है अलविदा जुमे के बाद ईद के लिए वक्त 2 या 3 दिन से ज़्यादा का नहीं बचता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी है। 27 रोजे मुकम्मल हो गए हैं। अब 2 या 3 रोजे की ही बात है, उसके बाद मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार ईद मनाया जाएगा। हमने रीवा शहर के शहर काजी से रमज़ान को लेकर अलविदा जुमा तक के बारे में क्या है खास को लेकर बातचीत की। शहर के शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन ने आज के दिन का खास महत्व बताया। आप भी सुनिए शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि रमज़ान शरीफ में जितने भी जुमे हैं उन सारे जुमों की अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, लेकिन रमज़ान शरीफ का जो आखिरी जुमा है जिसे हम अलविदा जुमा कहते हैं, इसकी फजीलत इसलिए भी है क्योंकि ये जुमा रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। लोगों के दिलों में एक हसरत भी होती है, एक अफसोस भी होता है कि रमज़ान का महीना हमारे सामने आया, हमने उसमें इबादतें की, तरावीह पढ़ी, रोज़ा इफ्तार के वक्त पे सारे लोग इकट्ठे हुए, सहरी का इंतज़ाम होता है, यानी चहार जानब चहल पहल नज़र आती है। अब वो महीना हमारी निगाहों के सामने से ओझल होने वाला है, जिसका लोगों के दिलों में गम भी होता है और अल्लाह तबारक व तआला इस आखिरी जुमे में खास तौर पर अपने बंदों की मगफरत फरमाता है, तो रमज़ान में रोज़े रखे कि रोज़ों को कबूल फरमाता है। जो किसी तरह की कोई कमी कोताही रह गई है तो वो फिर सदक़ा फ़ित्र के ज़रिए वो पूरी कर दी जाती है।